बीस बीस मिनट बोलते थे, कोई दिक्कत। और आप तो कोचिंग के माध्यम से, स्कूलिंग के माध्यम से बहुत कुछ जानती हैं। देश को कुछ नई दिशा दे दिया उन्होंने, जहां इस देश में सड़कों की मांग होती थी, अच्छी सड़कों की। यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भाजयुमो जिला इकाई द्वारा रोडवेज स्थित यूनिवर्सल एकेडमी में जनपद के प्रतिभावान बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ निर्णायक मंडल के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजयुमो पुनीत यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, श्रीमती माला द्विवेदी, सच्चिदानंद सिंह एवं जिलाध्यक्ष निखिल राय, मयंक गुप्ता ने अटल जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। अटल डिबेटिंग क्लब में अटल भाषण प्रतियोगिता, नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया, गुड गवर्नेंस पर जोर देना, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, समय की मांग, मुफ्तखोरी की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर स्थानांतरण, नरेंद्र मोदी की सरकार का ध्यान युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित में से एक बिंदु पर बोलना था, जिसमें कुल 200 बच्चों ने प्रतिभाग कर प्रथम स्थान पर प्रियंका यादव, द्वितीय स्थान पूनम, तृतीय स्थान प्रगति राय रही। संचालन विनायक सरदार ने किया। जिलाध्यक्ष निखिल राय ने बताया कि जिला स्तर पर सभी जिलों में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र स्तर पर प्रत्येक जिले से 3 विजेता क्षेत्र स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो 2 जनवरी से पहले आयोजित होगा। प्रदेश स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र से 3 विजेता प्रदेश स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लेंगे। सम्मान समारोह 12 जनवरी 2023 को प्रदेश के 3 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं और प्रतिभागियों का डेटा भाजयुमो राष्ट्रीय टीम के साथ साझा किया जाएगा। एक नमूना पंजीकरण प्रपत्र साझा किया जाएगा। उम्मीदवारों का मूल्यांकन कुल 50 अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान रंजना मधेशिया, सुशील जायसवाल, संदीप सिंह रिंकू, अभिषेक राय, विवेक सिंह, ब्रजेश चौरसिया, गौतम राय, मनीष गुप्ता, अश्विनी मिश्रा, अमन श्रीवास्तव, ब्रजेश चौरसिया, आलोक श्रीवास्तव सहित कार्यकर्ता व पदाधिकारी आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम प्रियंका यादव है, मैं एसएससी जीडी की तैयारी करती हूं यूनिवर्सल एकेडमी में आजमगढ़। उसके वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति वित्त वर्ष 2019-2020 में यूके को पिछाड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अनुमानित भारत की अर्थव्यवस्था अचानक से सुस्त पड़ गई थी, जिसमें भारत ने फ्रांसीसियों ने भारत को पीछे कर दिया। 7वें स्थान पर होकर इन्होंने अर्थव्यवस्था बन गई, जो कि वर्तमान में मोदी सरकार ने लक्ष्य लिया कि 2019 और 2020 में 3 ट्रिलियन डॉलर कर दी जाएगी और 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर कर दी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अटल भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम जिले में रखा गया था यूनिवर्सल एकेडमी में। तो किस तरह से बच्चों ने प्रतिभाग किया था? भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि जिले में जितने भी प्रतिभान बच्चे हैं वह निखर कर सामने आए, इसलिए उनको प्रदेश के द्वारा एक टॉपिक दिया गया था। उन 4 टॉपिकों में से किसी को भी एक टॉपिक पर अपना विषय रखना था और उन्हें 3 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया और कई सारे बच्चों का नाम उसमें सेलेक्ट किया गया है। और इस तरह से बच्चों की जो प्रतिभा है वह आगे भी क्षेत्र से प्रदेश तक भेजी जाएगी और उनको प्रदेश में सम्मानित किया जाएगा।